आभार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की तरफ से। हेलो हमारे आपके बीच जिनकी आपको प्रतीक्षा थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महान दल केशव तो मौर्य जी पधार चुके हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना संबोधन करें, उससे पूर्व मैं अनुरोध करूंगा महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव तो मौर्य जी अपना संबोधन देने की कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नीम करोड़ी के पवन धरती को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एक मिनट में पधारेंगे, आदरणीय अखिलेश यादव जी का नमन करते हुए, आदरणीय नेताजी को नमन करते हुए, सभी महापुरुषों को नमन वंदन करते हुए, साथियों आज रैली है क्योंकि समय बहुत कम है और अभी मैं छिपरामा में आ रहा हूँ। छिपरामा रैली से तो आपके बीच में समर्थक है और मैं केवल महान दल और समाजवादी पार्टी के समर्थकों से एक मिनट इसलिए लेना चाहता हूँ कि एक बार स्वागत में नारा लगना चाहिए, लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। एक बार पूरे दोनों मुट्ठी बंद करके महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माइक से नारा ना लगाओ भाई, माइक से नारा नहीं, लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद के साथ अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारा जो मेरा संकल्प था और इसे मैं हमेशा लगाता हूँ, महान दल ने ठाना है, महान दल ने ठाना है। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय साथियों हमारे आपके बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय अध्यक्ष जी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा जी, हमारे और आपके बहुत ही लोकप्रिय रहे सांसद चंद्रभूषण सिंह जी, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी, पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत जी, पूर्व विधायक समालुद्दीन सिद्दीकी जी, आदरणीय सतीश दीक्षित जी, डॉक्टर अनीता रंजन, राम सेवक जी, चंदपाल जी, शिव कुमार जी, हरीश यादव जी, मनदीप, विजय यादव, भोला यादव, राम प्रकाश जी, उमेश, अनार सिंह यादव जी, जिला अध्यक्ष महान दल सर्वेश साखी जी, जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र साख, रिंकू कटियार, बंटू
नागर राहुल देव बर्मन और बड़ी संख्या में दोनों दलों के सभी पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे सभी किसान भाई आदरणीय बुजुर्ग कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं दिखाई दे रहा है हमें मैदान भरा हुआ है और अपने ये उत्साहित नौजवानों से कहेंगे ये माइक चला जाएगा, बात भी नहीं हो पाएगी, फिर आप लोग नीचे आ जाओ, ये माइक भी चला जाएगा, आवाज नहीं जाएगी फिर कहीं। मैं अपने सभी साथियों को बधाई देता हूं, ये जन सैलाब और जन समर्थन बता रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी फरक्काबाद की सभी सीटें जीतने जा रही है। हमारे साथियों को पता होगा कि पहले चरण में जिस तरह से मतदान पड़ा है, दूसरे चरण में जो मतदान हुआ है और ये जो गर्मी निकालने वाले थे, ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, पहले चरण में जो वोट पड़ा है उससे उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता सब ठंडे पड़ गए हैं और जैसे ही दूसरे चरण का समर्थन समाजवादी और गठबंधन को मिला है, उनके नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ गए हैं और जब फरक्काबाद वाले वोट डालेंगे तो ये शून्य हो जाएंगे, एक भी खाता नहीं खुलेगा। बताओ झूठ बोलने वालों को सजा देने का काम करोगे कि नहीं करोगे? इनके नेता झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इनके भाषण सुनिए, इनके जो छोटे नेता है वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता है बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। हमारे किसान भाइयों बताओ, आपकी आय दोगुनी हो गई कि नहीं हुई? और अभी खाद लेने गए होगे, डीएपी की बोरी लेने गए होगे, खाद मिली कि नहीं मिली? और अगर बोरी लेके आए होगे तो 5 किलो की चोरी हो गई उसमें से कि नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे थे कि हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा, लेकिन जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है हमारे गरीब की गाड़ी और मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है, बिजली का जब बिल आता है तो करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आपने अखबार पढ़ा होगा, अभी जिसने मंत्री के पुत्र ने, एक मंत्री पुत्र ने किसानों की जान ली कि नहीं ली? कोर्ट जमानत दे सकता है लेकिन जनता की अदालत उसे कभी जमानत नहीं दे सकती। ये जल्दी इसीलिए कर रहे हैं जमानत के लिए क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार बदलने वाली है, सरकार जब नहीं आएगी तो ऐसे लोग जिन्होंने किसानों की जान ली है टायर से कुचल करके, उन्हें माफ नहीं करेंगे और जो उन्हें पालने पोसने वाले हैं उनको भी सजा दिलवाने का काम आने वाली सरकार में होगा। अरे किसान कभी माफ नहीं कर सकता,
बताओ किसान माफ करेंगे कि नहीं? नहीं। इन्हें माफी नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगी। हाथ दूरी रखो यार। इसलिए आपसे फरक्काबाद वालों से हम विशेष निवेदन करने आए, अपील करने आए। बहुत तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। ये 5 साल कैसे गुजरे हैं? अन्याय के साथ उत्पीड़न हुआ, विकास रुक गया, महंगाई बढ़ गई और हमारे नौजवानों को भी नौकरी रोजगार नहीं मिला है। बड़े बड़े विज्ञापन मुख्यमंत्री ने लगाए लखनऊ और दिल्ली में कि लाखों लाख नौकरियां मिल गई है। बताओ किसी को नौकरी मिली हो तो बता दो, रोजगार मिले हो तो बता दो। और ये जो स्टेडियम में लैपटॉप बांट रहे थे बाबा जी, किसी को लैपटॉप मिला? यहाँ पे टैबलेट मिली किसी को? ना स्मार्टफोन मिला किसी को? और खेतों की रखवाली अदा करनी पड़ रही है। और जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय जानवर है वो टक्कर मार रहा है कि नहीं मार रहा है? जान गई लोगों की कि नहीं गई? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो लोग गर्मी निकालना चाहते हैं, इस बार नौजवान और किसान इतना वोट डालेंगे उनकी भाप निकल जाएगी। भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि चाहे हमें फौज की भर्ती निकालना पड़े, फौज की भर्ती होगी, पुलिस की भर्ती होगी और 11 लाख जो सरकारी नौकरियों के पद खाली हैं, नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम समाजवादी सरकार। ये बीएड और टेट वाले घूम रहे होंगे 2011 वाले, इनकी किसी ने मदद नहीं की। समाजवादी सरकार आएगी तो इनको भी समायोजित इन्हें नौकरी देने का काम करेंगे। हमारे शिक्षा मित्र वाले भी दिखा रहे हैं हमें तख्ती, इनकी मदद की थी समाजवादियों ने, लेकिन पिछले चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में आ गए थे। बताओ आपको धोखा मिला कि नहीं मिला? शिक्षा मित्र वालों, धोखा हुआ आपके साथ कि नहीं हुआ? अगर कोई आपको सम्मान के साथ समायोजित करेगा तो वो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो आपको भी सम्मान देने का काम पहले जैसा होगा, समायोजित करने का काम भी होगा। इसलिए आपसे हम अपील करने आए क्योंकि बहुत कम समय बचा है। हालांकि थोड़ा दिन बड़े हो गए हैं लेकिन अभी उतने बड़े दिन नहीं है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भाग्य का चुनाव है कि खुशहाली में उत्तर प्रदेश जाएगा कि नहीं जाएगा, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की बदहाली बताने का चुनाव है। भैया मैरिट भर्ती की भी घोषणा कर दीजिए, मैरिट भर्ती, पुलिस मैरिट। माइक माइक रखो, अपने बंद रखो भाई। ये नौजवान समझ नहीं पाया। मैंने ये कहा है कि गर्मी निकालने वालों के हम बताना चाहते हैं कि सरकार बनेगी तो पुलिस की भर्ती निकालने का काम होगा। इसलिए फरक्काबाद वालों से हमारा विशेष निवेदन है, कन्नौज होकर के आया हूँ, पूरा सफाया हो गया है कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी का। ये फरक्काबाद भी हमारा लोहिया की कर्मभूमि रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आपने हमेशा, जब कभी भी समाजवादी लोग आपके बीच में आए होंगे, सम्मान बढ़ाने का काम किया है। समाजवादी लोग और समाजवादी पार्टी के हमारे आप सबके नेता, नेताजी का भी प्रिय ये क्षेत्र रहा है फरक्काबाद। यहाँ का अस्पताल जो जिला है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर,
ये नेताजी की देन है कि अस्पताल बना है। हमारी समाजवादी पार्टी और हम लोग फैसला लेते हैं, सरकार बनेगी तो अगर कन्नौज में मेडिकल कॉलेज बन सकता है तो फरक्काबाद में भी ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनेगा। आप लोग अभी एक्सप्रेसवे से नहीं जुड़ पाए हो, एक एक्सप्रेसवे बदायूं के आसपास से गंगा के किनारे निकलना है, एक एक्सप्रेसवे उधर निकला गंगा के दूसरे पार से निकलना है। समाजवादी सरकार बनेगी तो फरक्काबाद को दोनों एक्सप्रेसवे पे जोड़ने का काम समाजवादी लोग करेंगे। यहाँ की सड़कें, चाहे वो सड़क जो लिपू लेक जाती है फरक्काबाद फतेहगढ़ होकर के, जिस समय चीन का हमला हुआ था या लद्दाख में जो घटना घटी थी, उस समय समाजवादियों ने सुझाव दिया था कि जो सड़क ग्वालियर से लेकर के लिपू लेक जाती है इटावा होकर के, बेवर होकर के, फरक्का फतेहगढ़ होकर के सीधी चली जाती है आपकी पहाड़ों में लिपू लेक तक, उस सड़क को सिक्स लेन बनाया जाए, लेकिन सरकार ने नहीं बनाया है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जिस तरीके से फोर लेन से जिला मुख्यालयों को जोड़ने का काम हुआ था, आने वाले समय में भी हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। बौद्ध तपोभूमि संगीसा, इसके लिए समाजवादी सरकार में बहुत काम हुआ था, सब तरफ से सड़कें बनी थी। अगर वहां के क्षेत्र को और विकास से जोड़ने के लिए अगर काम करना पड़ेगा तो हम लोग करने का काम करेंगे। वही हमारे बाबा नीम करोरी धाम है ये, मैं इस धाम को प्रणाम करता हूँ, धरती को प्रणाम करता हूँ और आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जब समाजवादी सरकार बनेगी तो फरक्काबाद का विकास रुकेगा नहीं, बल्कि और तेजी से विकास कराने का काम करेंगे। मैं इस समय जो समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में सबसे पहले कायमगंज में मैं सर्वेश अम्बेडकर जी के लिए आपसे सहयोग और मदद मांगना चाहता हूँ कि इनकी मदद करिए, इन्हें एक एक वोट दिलाइए। दूसरी सदर से महान दल और समाजवादी पार्टी की गठबंधन की प्रत्याशी हैं श्रीमती सुमन साख, इनकी भी मदद करने का काम करना, एक एक वोट इन्हें देने का काम करना। वही हमारे भोजपुर से अरसद जमात सिद्दीकी जी की मदद करोगे कि नहीं करोगे? मैं पिछली बार भी इनके लिए वोट मांगने आया था, वो पहला चुनाव था, थोड़ा पीछे रह गए। बताओ इस बार इन्हें जिता करके विधानसभा में भेजोगे कि नहीं भेजोगे? और डॉक्टर जितेंद्र यादव लड़ रहे अमृतपुर से, से हमारी विशेष अपील है, हम अपनी विशेष अपील कर रहे हैं आपसे अमृतपुर वालों से। बताओ डॉक्टर जितेंद्र यादव की मदद करोगे कि नहीं करोगे? और जो लड़ रहे हैं उन्होंने कई बार ऐसा काम किया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मुझे याद है कि जब जिला पंचायत का चुनाव था और पार्टी की तरफ से वो चुनाव लड़ रहे थे, बड़ा संकट का समय था विपक्ष में, और जानते हो जिला पंचायत के चुनाव में क्या क्या चलता है, वो बात आपसे छिपी नहीं है। हमें लगा कि कम से कम समाजवादी पार्टी को दो वोट तो मिल जाएंगे, लेकिन याद है जब वोट खुले तो पार्टी को कितने वोट मिले होंगे? याद करो कितने वोट मिले थे, शून्य वोट मिले था, शून्य वोट, जीरो वोट मिले, जीरो। हमने कहा ऐसा तो कभी नहीं होता कि जो प्रत्याशी है वो भी वोट ना दे। सोचो जो चुनाव लड़ रहे हैं वो ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपना वोट भी कहीं और दे दिया,
इसलिए कम से कम उनसे बचाना हम लोगों को। लेकिन हम अपने बुजुर्गों से कहना चाहते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, ये चुनाव विधायक बनाने का नहीं है, ये चुनाव सरकार बनाने का है। विधायक बनने से सम्मान नहीं बनता है किसी का, अगर सरकार बनेगी तो आपका सम्मान बढ़ेगा। सरकार बनेगी तो बड़े काम होंगे, सरकार बनेगी तो वो काम हो सकते हैं जिससे आपका भाग्य बदलेगा। एक विधायक नौकरी नहीं दे सकता, एक सरकार आपको रोजगार और नौकरी दे सकती है। एक विधायक गंगा पे पुल नहीं बना सकता, अगर आपकी सरकार होगी तो गंगा पे पुल बन जाएंगे, पुल बन जाएंगे, बिजली का इंतजाम हो जाएगा। एक विधायक 300 यूनिट फ्री बिजली नहीं कर सकता, आपकी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम समाजवादी सरकार में। सिंचाई माफ होगी, और आलू को लेकर के एक कारखाने की बहुत दिनों से चर्चा होती है। लोग कहते हैं कि आलू से वडका बन सकता है, शराब बन सकती है। पहले बाजार इसका नहीं था, 2% बाजार था, लेकिन भाजपा के सरकार में इसका बाजार बहुत बड़ा बन गया है। मैं अभी आगरा में गया था, आगरा में कहकर गया है कि आलू की बेल्ट है, आगरा से लेकर के कन्नौज तक इधर हमने देखा है कि इसका बाजार बढ़ गया है। आलू की कीमत कभी किसान को मिलती है, कभी नहीं मिलती है। इसलिए सरकार ने तय किया, हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लेना, घोषणा पत्र में लिखा है कि हमने 1000 करोड़ रखे जिससे कि आपके आलू की कीमत दे सके। हमें 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, अगर उस तरह का कारखाना लगाना पड़ेगा तो फरुखाबाद में या कन्नौज के बीच में एक कारखाना लगा करके कभी किसान को, आलू के किसान को घाटा नहीं होने देंगे, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों से आप सबका धन्यवाद देता हूं, और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में आपसे निवेदन अपील करता हूं कि एक एक वोट देकर के जिताने का काम करना। बहुत बहुत बधाई। खींच लिया भाई, खींच लिया।